हजारीबाग में ऑनलाइन ट्रेडिंग से किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। पहले जहां बिचौलियों का राज था, वहीं अब यह तंत्र धीरे धीरे टूट रहा है और किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल रही है। ई नाम पोर्टल के जरिए किसान अपने उत्पादों को बेच रहे हैं और उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ रहा है। चुरचुनारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी खेती के क्षेत्र में काम कर रही है। इस बार कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। इनाम के माध्यम से ट्रेड कर एफपीओ के द्वारा ट्रेड करके उनको एक बल मिला है और वो उसके बेस पे एक अच्छा व्यापारी के साथ में बार्गेनिंग कर पा रहे हैं और अपना सामान अच्छे रेट में बाहर में गढ़वा में अभी जा रहा है, अभी कोडरमा जा रहा है यहाँ से, तो ऐसे ऐसे करके अभी अच्छे रेट में सेल कर पा रहे हैं। किसान कहते हैं कि हम लोग पहले तरबूज समेत अन्य उत्पाद बाजार में बेचते थे, कारोबारी किसानों से उत्पाद खरीदते थे और फिर उसे बेचते थे। ऐसे में किसानों को बहुत कम पैसा मिल पाता था और कई बार पैसा फंस जाता था, लेकिन इस बार किसान अपना उत्पाद ई नाम के जरिए बेच रहे हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ, उत्पाद को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, खेत से ही उत्पाद बिक जा रहा है। ऑनलाइन बिक्री से उत्पाद का रेट भी अच्छा मिल रहा है। तरबूज का खेती कर रहा हूँ और ई नाम से मैं बेच रहा हूँ उनके माध्यम से, और पैसा जो तरबूज का आ रहा है वो सारे हमारे अकाउंट में खाते में आ रहा है। और जो तरबूज हमारे बाहर से आते थे हजारीबाग, वो तरबूज हजारीबाग और पूरे झारखंड में सप्लाई हो रहा है। अब तो बहुत आसान हो, ई नाम के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, वो सब झंझट सारी दूर हो गई। हजारीबाग बाजार समिति पिछले वित्त वर्ष में पूरे देश भर में डिजिटल पेमेंट के मामले में 8वें नंबर पर था और झारखंड में पहले स्थान पर था। 2020-21 के वित्त वर्ष में 3.03 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट किया गया था। इस बार का टारगेट 5 करोड़ का है। हजारीबाग बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार बताते हैं कि इसमें किसानों का बहुत सहयोग है, इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है। पिछले बार मैंने आपको बोला था कि हम लोग 300 लाख के लक्ष्य को पार करेंगे और आप लोगों के सहयोग से और किसानों के सहयोग से हम लोगों ने 303 लाख रुपया का डिजिटल पेमेंट किया है और पूरे देश में 1 to 10 में आए हैं। झारखंड में तो ऑलरेडी हम नंबर 1 शुरू से ही हैं, आगे भी रहेंगे। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 500 लाख डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य रखा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। किसान की आय दुगनी तभी होगी जब उन्हें अच्छा बाजार मिलेगा। ऐसे में एफपीओ और बाजार समिति का महत्वपूर्ण योगदान है। जरूरत है दूसरे किसानों को भी एफपीओ और बाजार समिति से संपर्क स्थापित करने की, ताकि वे भी तेजी से तरक्की कर सके। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।